पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज युवाओं ने रक्षा मंत्री से भारतीय सेना में भर्ती रैली कराने को लेकर एक रैली निकाली। रैली के दौरान युवाओं ने कहा कि कोरोना के बाद से भारतीय सेना में कोई भी भर्ती रैली की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं में हताशा है। रक्षा मंत्री से युवाओं ने भारतीय सेना में भर्ती रैली कराने की मांग की है। हम लोगों ने सेना भर्ती की मांग के लिए जिलाधिकारी महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को समर्पित एक जो ज्ञापन दिया और मांग की है कि जो दो साल से सेना भर्ती नहीं आई है उसका जल्द से जल्द आयोजन किया जाए। दो साल से सड़कों पर दौड़ रहे हैं और भर्तियां आई, लेकिन सेना भर्ती का आयोजन नहीं किया गया। हम लोगों की मांग रहती थी भाई स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन स्टेडियम नहीं मिल रहा। गाँव के लोग हम जो है सड़कों पर दौड़ते हैं, उसके बाद अगर भर्ती नहीं मिल रही है और सबसे बड़ा काम जो है सेना में जाने का है, उसके लिए लड़के देशभक्ति जो है भावना लेकर तैयारी करते हैं और फिर भी जब आयोजन नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं निराशा मिलती है। जब मांग की गई तो बोला कोरोना का मुद्दा उठा दिया कि कोरोना इससे फैलेगा। उन लोगों की जो रैलियाँ हो रही हैं कोरोना, उन चुनावी रैलियों से नहीं हो रहा है क्या? अगर अब भी समय है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम रक्षा मंत्री महोदय तक एक पैदल यात्रा करेंगे और वहाँ जाकर हम धरना देंगे, उनसे मांग करेंगे कि हम एज का रिलैक्सेशन भी हमें नहीं दिया और अब भर्ती का आयोजन भी नहीं किया जा रहा। बस हम यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द सेना भर्ती का आयोजन। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है आगे फॉरवर्ड किया जाएगा? हम उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिलों से ज्ञापन दे चुके हैं और आगे जितने भी जिले हैं सभी से हम ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि भाई एक जो है सेना भर्ती का आयोजन भी किया जाए। मांगे नहीं जाती हैं, अगर मांगे मानी नहीं जाएंगे, अगर मांगे हमारी मानी नहीं जाएंगे तो हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे और रक्षा मंत्री महोदय के आवास पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ बैठेंगे और सेना भर्ती जो है रैली की मांग करेंगे। आप एक कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं, क्या संदेश? मैं एक राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी हूँ। देखो, मेरे लिए जितना अहम खेल का मैदान है उतना अहम इन लोगों की आवाज़ उठाना है। खेल मैदान पर मैं अकेला खेल रहा हूँ, लेकिन जब ये मेरे भाई परेशान है तो इनकी मांगों के लिए मैं आगे आऊंगा। जब तक इन लोगों के लिए जो है सेना भर्ती का आयोजन नहीं होगा, मैं भी अपने किसी भी खेल में जो प्रतिभाग नहीं करूंगा। इनकी मांग हमारे लिए सर्वोपरि। आज हम जो सुरक्षित है वो इन लोगों की वजह से है। कितने ऐसे आपके साथ युवा हैं जो हमारे साथ लगभग सैकड़ों युवा जो तैयारी कर रहे हैं सेना भर्ती की? इन लोगों की मांगे आई कि सुनील भाई आप जो है मुद्दा उठाइए सेना भर्ती का। हम लोग और भी अन्य प्रकार की मांगें उठाते रहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य है उसके साथ साथ भाई समाज के लिए समय देना जरूरी है। ये मुद्दा सेना भर्ती का तो हमारे लिए सबसे अहम है। चाहे और अन्य वैकेंसी हो, आज के समय में सभी भर्तियां हो रही हैं, लेकिन सेना भर्ती नहीं हो रही तो हम जब सुरक्षित नहीं है तो हम आगे और क्या कर सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।